भोपाल क्रिकेट टीम के वरिष्ठ खिलाड़ियों ने भोपाल क्रिकेट टीम के चयन और चयनकर्ताओं की मनमानी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सीनियर खिलाड़ियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चयनकर्ताओं पर कई आरोप लगाए हैं। देखें ये खास रिपोर्ट। सीनियर क्रिकेटर्स ऑफ भोपाल डिवीजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि भोपाल की टीम लगातार हार रही है, क्योंकि टीम में चयन के लिए जो पैमाना बनाया गया है उसमें अकादमी का खिलाड़ी होना जरूरी है, जबकि ये गलत है। भोपाल में क्रिकेट खिलाड़ियों की बेहतरी की बात कर रहे अमिताभ वर्मा और मनीष शुक्ला का कहना है कि बिना ट्रायल के खिलाड़ियों को टीम में लिया जा रहा है। सीनियर खिलाड़ियों ने भोपाल क्रिकेट टीम के चयनकर्ताओं पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। मैं अमिताभ वर्मा, मेरे साथी मनीष शुक्ला हैं, और आज हम लोग जो इकट्ठे हुए हैं सीनियर क्रिकेटर भोपाल के बैनर के तत्वाधान में इकट्ठे हुए हैं। और सीनियर क्रिकेटर भोपाल कोई ऐसा ऑफिशियल ग्रुप नहीं, बल्कि एक पूर्व क्रिकेटर भोपाल में जिन्होंने भी अच्छा क्रिकेट खेला, पहले क्रिकेट खेला है, उनका एक समूह है। लगभग 140 क्रिकेटर्स का, 140 क्रिकेटर्स हैं समूह में, जो भोपाल क्रिकेट को समय समय पर सही हेल्प करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, और सबका एक ही लक्ष्य है कि भोपाल क्रिकेट अच्छा करे, हमारे मैक्सिमम प्लेयर्स ऊपर खेले, भोपाल क्रिकेट की विजय हो और टीम हमारी जीते। पोर्शन है वो हटा दिया गया है, अब सिर्फ एकेडमीज के टीम बनती हैं और वह मैचेस खेलती हैं, उसके बाद ट्रायल्स, उसके बाद उन्हीं के परफॉर्मेंस के बिहाफ पे टीमें सेलेक्ट की जा रही हैं। आप इस समय इसको ऐसे समझिए कि आप रॉ टैलेंट्स पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर एक बच्चा एकेडमीज में या कोई प्रॉपर कोचिंग नहीं ले रहा है तो वो इस चयन समिति या इस एडॉप्ट समिति के हिसाब से क्रिकेट खेलने लायक नहीं है। भोपाल सीनियर क्रिकेटर सिर्फ इतना चाहती है कि समिति कोई भी काम करे वह पारदर्शिता के साथ चयन करे, उसकी जो भी चयन समिति, चयन की जो प्रक्रिया है वो प्रॉपर हो, वो सभी के सुझाव से डिसाइड की जाए, ना कि बंद कमरे में हमने कहा कि साहब हम इस तरह टीम सेलेक्ट करेंगे बस हो गया, ऐसा नहीं होता। हमें ट्रायल कराने में क्या दिक्कत है? जल्द से जल्द इंदौर जाके हम अपना विरोध दर्ज कराएं। और जो आपने एक बात कही थी कि ट्रायल्स के बिहाफ पे, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि मनीष अग्निहोत्री एक क्रिकेटर हुआ करते थे जो कोई एकेडमी से नहीं खेले थे, लेकिन वो रणजी ट्रॉफी भी खेले और मतलब मध्य प्रदेश सबसे फास्टेस्ट बॉलर रहे। अगर हम सिर्फ एकेडमीज़ और क्लब्स को ही कॉन्सेंट्रेट करें और रॉ टैलेंट को छोड़ दें तो क्रिकेट आगे नहीं बढ़ सकता। महेंद्र सिंह धोनी भी रॉ ही क्रिकेटर थे जिनको उठा के लाया गया था। तो आज सरकार एक तरफ बोल रही है कि हम गांव से टैलेंट लाएंगे और हम यहां पे बोल रहे हैं कि हम सिर्फ क्रिकेट एकेडमी से और क्लब से चलाएंगे, तो ये समझ के बाहर की चीज़ें। कुल मिलाकर आरोप गंभीर प्रतीत होते दिख रहे हैं। यही वजह है कि सीनियर खिलाड़ियों को इस तरह मीडिया के सामने अपनी बातों को रखना पड़ा। भोपाल से सुशील यादव के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट।